हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टैटिक्स। मैं हूं राजीव। इस वीडियो में मैं मार्च महीने के फोर्थ वीक का कैंडिडेट लेके आया हूं। चलिए शुरू करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाटर डे 2018 का थीम क्या था? ये थीम था नेचर फॉर वाटर। द राइट आंसर इज ए। और वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक ऑन परमवीर चक्र अवार्डीज? परमवीर परवा ने। द राइट आंसर इज डी, प्रभा किरण जैन। यूनियन गवर्नमेंट ने कौन सा कमोडिटीज को 2018 का नेशनल एयर्ड करने के लिए डिसाइड किया है? यह किया है मिलेट्स। द राइट आंसर इज डी। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सिल्वर मेडल जीता है? ये जीता है विनेश फोगाट। और ये है विनेश फोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन 2018 एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता है? ये जीता है पंकज अद्वानी ने। द राइट आंसर इज डी। और ये है पंकज अद्वानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंडियन शूटर हैज बैग्ड गोल्ड इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल इवेंट एट द 2018 ISSF जूनियर वर्ल्ड कप इन सिडनी? सी इज मनु भाकर। द राइट आंसर इज ए। और ये उसका तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 का वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे का थीम क्या था? ये थीम था वांटेड लीडर्स फॉर ए टीबी फ्री वर्ल्ड। द राइट आंसर इज ए। और वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है 24 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने मोस्ट इन्फॉर्मेटिव पेविलियन अवार्ड जीता है 105th इंडियन साइंस कांग्रेस 2018 में? ये है DRDO। और DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा कंट्री का ऑटो मार्केट फोर्थ लार्जेस्ट ऑटो मार्केट है वर्ल्ड में? ये है इंडिया का ऑटो मार्केट। द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वर्ल्ड का कौन सा शहर वायरलेस होने जा रहा है? ये होने जा रहा है वाराणसी। द राइट आंसर इज सी। इनमें से कौन सा कंट्री वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है? ये है इंडिया। द राइट आंसर इज बी। इनमें से इंडिया का कौन सा स्टेट पहला इंसेक्ट म्यूजियम ओपन किया है? ये किया है तमिलनाडु ने। द राइट आंसर इज बी। इनमें से कौन म्यांमार का नया प्रेसिडेंट बना है? म्यांमार का नया प्रेसिडेंट बना है विन माइंट। द राइट आंसर इज ए। और ये है विन माइंट। और ये है आंसान सुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन इंडिया का नया डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बना है? ये बना है चंद्रभूषण कुमार ने। द राइट आंसर इज सी। और ये है चंद्रभूषण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने एम्प्लॉई का रिटायरमेंट एज 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया है? ये कर दिया है मध्य प्रदेश ने। द राइट आंसर इज ए। प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।